हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश से लखनऊ उत्तर प्रदेश तक चलने वाली सभी कोविड 19 ट्रेनों की जानकारी के बारे में। दोस्तों वाराणसी जंक्शन से लखनऊ तक तकरीबन 4 ट्रेनें चल रही हैं। दोस्तों इस रूट पे सबसे फास्ट ट्रेन है दुर्गियाना कोविड 19 सुपर फास्ट एक्सप्रेस और सबसे स्लो ट्रेन है वाराणसी अहमदाबाद साबरमती कोविड 19 एक्सप्रेस। दोस्तों पहले नंबर पे जो ट्रेन है वाराणसी अहमदाबाद साबरमती कोविड 19 एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 09168। ये ट्रेन जो हफ्ते में 4 दिन चलती है, हर मंगलवार वीरवार शुक्रवार और हर रविवार को चलती है वाराणसी जंक्शन से दोपहर को 2:30 पे और लखनऊ चार बाग पहुंचती है रात को 11 बजे। ये ट्रेन जो है 324 किलोमीटर का डिस्टेंस 8:30 में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर, इसके तकरीबन 10 स्टॉप हैं। ये ट्रेन वाया जौनपुर जंक्शन, अकबरपुर जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, फैजाबाद जंक्शन, बाराबंकी जंक्शन के रास्ते लखनऊ चार बाग को पहुंचती है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के कोच की तो इस ट्रेन में LHB कोच दिए गए हैं। इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और सेटिंग सीटिंग के कोच दिए गए हैं। सेकंड AC का किराया जो है 755 रुपये, थर्ड AC का 535 रुपये, स्लीपर का 200 रुपये और सेटिंग सीटिंग का किराया जो है 125 रुपये। दोस्तों ये किराया वाराणसी जंक्शन और लखनऊ चार बाग स्टेशन के बीच का है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो ये ट्रेन जो है WDP 4D डीजल लोकोमोटिव और WEB 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो ट्रेन है श्रमजीवी कोविड 19 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 02391। ये ट्रेन जो है डेली चलती है वाराणसी जंक्शन से दोपहर को 3:12 पे और लखनऊ चार बाग पहुंचती है रात को 8:03 पे। ये ट्रेन जो है 283 किलोमीटर का डिस्टेंस 4:51 पे पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर, इसके तकरीबन 4 स्टॉप हैं। ये ट्रेन वाया जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर जंक्शन, मुसाफिर खाना, निहालगढ़ के रास्ते लखनऊ चार बाग को पहुंचती है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के कोच की तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कोच दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट AC का किराया जो है 1145 रुपये, सेकेंड AC का 695 रुपये, थर्ड AC का 510 रुपये, स्लीपर का 210 रुपये और सेटिंग सीटिंग का किराया जो है 125 रुपये। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो ये ट्रेन जो है WEB 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो ट्रेन है वाराणसी नई दिल्ली महानामा कोविड 19 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 02217। ये ट्रेन जो हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर मंगलवार वीरवार और हर शनिवार को चलती है वाराणसी जंक्शन से शाम को 6:55 पे और लखनऊ चार बाग पहुंचती है रात को 11:48 पे। ये ट्रेन जो है 283 किलोमीटर का डिस्टेंस 4:53 में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर, इसके तकरीबन 3 स्टॉप हैं। ये ट्रेन वाया जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर जंक्शन, निहालगढ़ के रास्ते लखनऊ चार बाग को पहुंचती है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के कोच की तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कोच दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट AC का किराया जो है 1425 रुपये, सेकेंड AC का 855 रुपये, स्लीपर का 255 रुपये और सेटिंग सीटिंग का किराया जो है 125 रुपये। दोस्तों इस ट्रेन में थर्ड AC का कोई भी कोच नहीं होता। दोस्तों ये किराया वाराणसी जंक्शन और लखनऊ चार बाग स्टेशन के बीच का है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो ये ट्रेन जो है WEB 5 या WEB 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। दोस्तों चौथे नंबर पे जो ट्रेन है दुर्गियाना कोविड 19 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 02357। ये ट्रेन जो हफ्ते में 2 दिन चलती है, हर मंगलवार और हर शनिवार को चलती है वाराणसी जंक्शन से रात को 11:11 पे और लखनऊ चार बाग पहुंचती है रात को 2:43 पे। ये ट्रेन जो 282 किलोमीटर का डिस्टेंस 4:32 में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 61 किलोमीटर पर आवर और दोस्तों इस ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं है। इस बात करें इस ट्रेन के कोच की तो इस ट्रेन में LHB कोच दिए गए हैं। इसमें सेकंड AC का किराया जो है 765 रुपये, थर्ड AC का 555 रुपये, स्लीपर का 230 रुपये और सेटिंग सीटिंग का किराया जो है 135 रुपये। दोस्तों ये किराया वाराणसी जंक्शन और लखनऊ चार बाग स्टेशन के बीच का है। दोस्तों बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो ये ट्रेन जो है WEB 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो ट्रेनें वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश से लखनऊ उत्तर प्रदेश तक चल रही हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ट्रेनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।